दोस्त पराय देख करी चला हसंत हसन, अपने नजर ना आवही जिनका आदि नान। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो दूसरों में दोष देखता है तो हंसता है, पर उसे अपने दोष नजर नहीं आते। जिसका ना तो आदि है न ही अंत है, अपने में बहुत सी कमजोरियों के बाद भी हम अपने आप से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मनुष्य का हृदय कभी भी नहीं भरा जा सकता धन से, पद से, ज्ञान से। उसे किसी भी चीज से भरो वो खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वो बनाया ही नहीं गया है। मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी यदि खराब हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर वाणी यदि खराब है तो संबंध नहीं टिकते। इस संसार का नियम यही है, जो उदय हुआ है वो अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा भी जाएगा, जो चिना गया है वो एक दिन ढह जाएगा, और जो आएगा वो जाएगा। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ जरूर बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर इंसान अपने नसीब का खाता है। अहंकारी इंसान एक अंधे के समान होता है, जिसे न तो अपनी गलती दिखाई देती है न दूसरों की अच्छाइयाँ। किसी की गलतियों को बेनकाब न कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब न कर। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि मनुष्य की समझ में आ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। सिर्फ अपने जिस्म को न सवारो, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। अपनी रूह को सवारो, इसी ने रब के घर जाना है। हमारा जीवन भी एक वृक्ष के समान है, हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम कितने दिन जिए, बल्कि हमें ये देखना है कि हमने कितनों को शालीनता दी, कितनों को फल दिए। ये हमारे वश में है। हमारा जन्म लेना और नष्ट होना ये प्रकृति के वश में है। संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। जब आप जवान हो तो बूढ़ों का सम्मान करें, जब आप मजबूत हो तो कमजोर की मदद करें, जब आप गलती पर हो तो गलती स्वीकार करें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, गलत और कमजोर होंगे। चालाकियों से किसी को कुछ देर के लिए मोहित किया जा सकता है, पर जहां दिल जीतने की बात हो वहां सरल और सहज होना ही जरूरी है। सजावट, बनावट और दिखावट इसी वजह से आई है, लोगों की सोच में गिरावट। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास करिए किसी शंका के बगैर। बीते हुए कल के लिए ईश्वर का शुक्रिया, आने वाले कल के लिए ईश्वर पर विश्वास, और आज का दिन सबका सुंदर हो। हे मेरे ईश्वर, तुमसे बस यही अरदास। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और खूबसूरत विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।